देखिए सीवान में जो कम्युनल रायट हुआ और उसके वीडियो सारी दुनिया ने देखे कि कौन किसके मकान पर, दुकान पर, मोटरसाइकिल पर डैमेज कर रहा है और तोड़मफाड़ी कर रहा है, वो कौन लोग हैं। उसके बाद एक 8 साल के लड़के को जिसका नाम रिजवान है, पिछले 4 दिन से 8 साल का रिजवान राजद और नीतीश कुमार की सरकार में, एक 8 साल का मुसलमान लड़का रिजवान पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के एक आला होदेदार ने मीडिया को झूठ कहा। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो जो पुलिस को पढ़ना लिखना आता है उनसे ये पढ़वा लीजिए कि रिजवान की उम्र बर्थ सर्टिफिकेट में 8 साल की उम्र और उसकी माँ पिछले 4 दिन से रिजवान के ताल्लुक से बेचैन है। हम नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक, आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी माँ पर क्या गुजर रही है, आप गैर जरूरी की उसको पकड़ कर लेकर गए? 8 साल का लड़का क्या, इन्हें क्या जुल्म है ये? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और राजद के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सेकुलरिज्म का बड़ा लीडर मानते हैं, ये कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म अभी? और ये लोग जो बाजा बजा रहे थे, जो अपने आप को सेकुलर कहते, सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते, अब ये गूंगे क्यों बन के बैठे हैं? अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर को उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया? हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि रिजवान को फौरन छोड़ा जाए। एक 8 साल के बच्चे को उसकी माँ से खींच कर रखना, उससे जुदा कर देना, ये इंसानियत नहीं है, जुल्म है ये।